उरी हमले के बाद भारत की सख्ती से पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने दावा किया है कि देर रात करीब 10:20 पर उन्होंने इस्लामाबाद में F-16 लड़ाकू विमान उड़ते देखे। पाकिस्तान के जियो न्यूज के संपादक हामिद मीर ने कहा कि इस्लामाबाद के करीब मोटरवे सड़क के पास दोपहर लड़ाकू विमान लैंड करने की खबरें आई थी। मैं जब ऑफिस से घर आया तो आसमान में 4 लड़ाकू विमान उड़ रहे थे। ये विमान रोशनी के कुछ गोले फेंक रहे थे। इन लड़ाकू विमानों से बेहद खौफनाक आवाजें आ रही थी। इन विमानों ने करीब 4 से 5 चक्कर लगाए थे। हामिद मीर ने बताया कि जब हमने पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों से संपर्क किया तो पता चला कि रात के समय युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। अधिकारियों की ओर से बेफिक्र रहने की भी बात कही गई। वहीं पाकिस्तान के दूसरे चैनल ARY न्यूज का दावा है कि ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का रूटीन अभ्यास था। F-16 विमान पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास है। पाकिस्तान ने रात में भी युद्ध का अभ्यास किया है। वहीं कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि इस्लामाबाद पेशावर हाईवे को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान हड़बड़ाया हुआ है। उरी हमले के बाद भारत में जिस तरह की हलचल है उसके बाद से ही पाकिस्तान ज्यादा चौकन्ना हो गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ऐसी खबरें भी आ रही थी कि पाक आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने वायुसेना को तैयार रहने के आदेश दिए हैं। देखते रहिए जीबी लाइव।